मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचे सबको प्रणाम करके अपना की अगर छोट छोट बालक हुई तो अपना पंचे उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा अपने आँखी के ओझल न हो दे एक ऐसा वारदात बताओ कि वह सुन के ही अपना पचन का भरोसा न हो कि एक 40 वर्षीय अधेड़ एक 5 साल के बच्चे के साथ वह दरिंदगी का अंजाम देता है वह घिनौनेपन का अंजाम देता है कि वह सुन के अपना पंचन के लागी कि यम के लोगन का ही बीच चौराहा में खड़ा करके गोली मार दे चाहिए। हालांकि अपने संविधान में यम के कानून नहीं आए लेकिन अगर यम के लोग हिम है कि जौन 5 साल के ही बच्चे का नहीं छोड़ाता ही अपना का बताई कि यह पूरा मामला सीधी जिला के रामपुर थाना क्षेत्र के बताया जाता है कि रामपुर थाना क्षेत्र में ही एक 5 साल के बच्ची का ही एक व्यक्ति द्वारा जौने के ओके घरे में दरबार करे जाता है। बताया जाता है कि पहले घरे आवा वो व्यक्ति घरे में दरबार करत रहा माने कि बातचीत करत रहा दरबार लगाए रहा और एक बात जैसा ना रात होती वह शाम होती और लोगन के ही एक ही नज़र जाती वह वैसा ना वो बच्ची का अपने साथ उठा ले जाता है। बताई 5 साल के बच्ची के साथ यह में के दरिंदगी करत है। बतावा जाता है कि जब खाना खाए के टाइम आवा 8-9 बजे लागे और बच्ची का ढूंढे लागे जब खाना खाए के टाइम आवा तो उकर मातारी हेरे लाग के कहाँ है वो बच्ची का खवाए पियाए दे सुबाए दे जब हेरे लाग तो वो बच्ची घरे में नहीं मिली जब घरे में नहीं मिली तो वो ओखर परिजन आस पड़ोस में गे तलाश करी ना वो बच्ची जब हो घरे में के पास आस पड़ोस में घरे में तब तक मिले ओखर तो वो अपने साथ उठा ले रहा। अब वो बच्ची कहीं हेरत अगल बगल के लोग इकट्ठा होते जब पता चला था कि ये यम के बच्ची हेराई गई भाई तो जब हेरत जाते तो वहीं ठे झाड़ी टाइप के कुछ जंगल टाइप के रहा था भाई और हेरत पाए जाते ओखा। बतावा जाते कि वह युवक जो उनके यम के वारदात का अंजाम दे रहा वह व्यक्ति छुपा रहा झाड़ी वहीं और जैसा है लोगन के टार्च लेके ढूंढत रहे जिसने टार्च ओके ऊपर लपकती वैसे वो बच्ची को छोड़ के भाग जाता है ओके साथ यह में के ही वारदात का ही घिनौनेपन का अंजाम दे चुका रहा था एक बार जैसने गांव वाले इनका देखा था वही वैसे वो फरार हो जाता है। यह पूरे मामले में बतावा जाता है कि खड्डी पुलिस का सूचित किनगांव खड्डी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन के साथ वो बच्ची का ही जिला चिकित्सालय सीधी में भेज दी नील जहाँ बतावा जा रहा है कि आज वह जौन युवक जौन यमे के ही व्यक्ति वारदात का अंजाम दे रहा है वह पुलिस द्वारा पकड़ लिनका है। अपने बताई कि यमे के वारदातन का लोग इतनेपन घिनौनेपन से अंजाम दे थे मैं कि कहाँ नहीं जा सके अगर अपना के ही बच्चे हो ही छोट सा अपना उनका अपने आँखी से ओझल ना हो जाए काहे के समाज में यमे की भेड़िया हैं जिनके चेहरा के पीछे का हवा अपना नहीं समझ पाओ लागा है और ना तो समझ पाओ के का सोच रहा है कि खर काहे में निगाह है या अनुमान लगा ले बहुत मुश्किल है। इन से ही यमे के लोग यमे की वारदात का अंजाम दे में ही सफल रहा थे। आई अपना पंचन का ही वह पिता से मिलवाई थे जौने के बच्चे के साथ यमे के वारदात का अंजाम दिन गई वह सुनाई थी कि वह आखिर ओकर का कुछ कहा भाई ओके हृदय के का पीड़ा ही भाई ये बताई कि अपना जिला चिकित्सालय सीधी में ही एक बच्ची का एडमिट किया है जौने की उम्र 5 साल ही का पूरा मामला है। हाँ कैसा था हम जब वह पाए बच्ची का पान कहाँ पहा जंगल में जानकारी वह जानकारी ये भाई के शाम के अपने यहाँ बैठ रहा और बच्ची बोला कि अम्मी रोटी बनाओ खाएंगे शाम के कै बजे के लगभग से बात किया ये 8 बजे के लगभग ओ मम्मी जो है तो खाना बनाने लगे और वह बैठा रहा पेड़ते ऊँचा तो थोड़ा इतने के बीच में बैर बिरवा है बैर और वह बच्ची बोला कि हम जाते जाए दादी के यहाँ तो हो गया वह दादी घर के जब अवेला तो साला बैठ रहा वो बैर तेरी ऊँचाई के लेके पहाड़ चढ़ गए अपना बच्चे नहीं जाने बच्ची चलाई नहीं जाने अब जब मातारी रोटी बना के अब पूछने लगे कि हमारा बच्चा के बारी आई जब जी जी तो बच्ची कहाँ है तो दादी बोला कि नहीं है कहीं कहाँ है पहुँच हो गए टोला मोहल्ला में हेरने लगे जो नहीं मिला था तब फिर वह जंगल से ताए जंगल 50 आदमी कम से कम लिए टार्च हेरे लागे फिर वहाँ जो मूड़ा में आप वहाँ मिला फिर कौन जंगल है वो कौन पहाड़ी अरे हो गया अपने नेट के कलहरा पहाड़ बोला था और
जो हो ऐसने में पहुँचे तेन के बहुत से झौड़ रहा वही सार घुसा रहा। तो जब ऐसे टॉर्च लगाए तो फिर भाग करा, जब जब वो भाग करा तो बच्ची जो है तो वहीं से निकल के आवाज के हम हमाइन का जो है तो लपट पड़ा, जो लपट पड़ा तो मैंने उसे आके गोदी में ले लिया। हो गया लेकर मैं चले आए और जो कोई वहाँ आदमी रहा है वो जो है तो ओखा फिर रगड़ ली नहीं मिला जंगल में। अच्छा जी, घंटा दिन से एडमिट है अस्पताल में, आज तीसरा दिन हो जाए। और पुलिस एमा के फिर कहाँ गए अपना, पुलिस का सूचना दिन है? बिल्कुल सूचना दिन है। कहाँ गए अपना? वहाँ से जब पहाड़ से जंगल से लाए घर तो पहले वही के घर है, वह आदमी के घर जी। हम कहें भाई माई बाप है उसी के देखा थी, काल काला दोष देगा। अच्छा हो गया उनका सबके दिखाएं तक आए थे घर लाए, पुलिस का फोन किए, पुलिस जो आते आए सौ नंबर और फिर पुलिस जो आए तो सब दिखाए तक आए। और दिखाए करके पुलिस बोला कि सुबह 7-8 के बीच में आना खड्डी जी। फिर गए साहब हम 7-8 बजे हो गए, जो कुछ लिखा पढ़ी किहन किहन। फिर जो आए तो लड़के कहें चलो सीधी तो का हॉस्पिटल पहुँचाई, फिर हॉस्पिटल आए यहाँ लिखाए पढ़ाए लिखाए पढ़ाए के फिर खड्डी जो आए तो वापस लौट के 4-5 बजे जी। अच्छा यह पूरा मामला रहा है ना अपना की जो उन गाँव है कौन थाना क्षेत्र में आवत है? वह गाँव वह खड्डी ना आवत है जी, है ना। अब उखकवा का गिरफ्तार भा जोन के वारदात का अंजाम दे रहा जोन के में कर्म करी सो गिरफ्तार भा का नहीं भरा आ के का भा ओका फिर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते काल मिला। अब ये तारीख तो हमको नहीं मालूम होता है, काल मिला। हाँ तो काल बताए कि मिला कुशमहार में, अब ओका ले गए। अब ये सब मोबाइल से सुनन जाने साहब, अब आँखी में ऐसा नहीं दिखन के लाइगे कि नहीं लाइगे तो मोबाइल में जाने जी। चलिए पूरा मामला रहा, धन्यवाद।